हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदारघाटी, एक छोटे से गांव रैलगांव से। और आज की ब्लॉगिंग मैं 10 बजे से कर रही हूँ और केदारघाटी का मौसम भी दिखा दूँ आज का आप लोगों को। केदारघाटी में अभी धूप खिलखिलाती हुई धूप लगी हुई थी चारों तरफ, और अभी देखो मौसम ऐसा हो रखा है, पूरा अंधेरा अंधेरा। और नीचे जो खेत है यहाँ पर मंदाकिनी नदी के ऊपर, तो आजकल यहाँ भी बहुत सारी फसलें हो गई है, पक गई है, और झवारे की तो लुहाई कर ही रहे हैं। और जो कपड़े थे हमारे, जो पहनने के कपड़े थे, वो भी मैंने धूप पर सारे सामान पेर फेंक दिया है। हमारे पहनने के कपड़े थे इस पर भी पूरे सड़ गए थे, वो मतलब बैगों में भर रखे थे, पूरे सड़ गए हैं, तो ये भी मैंने धूप पर सुखाने के लिए रखे हैं। कुछ स्वीटर हैं गर्म वाली और कुछ सूट हैं, तो यहाँ पर फैला रखी थी मेरी, तो सूख भी गई है। और कुछ रजाई गद्दे ऊपर छत में फैलाने के लिए डाल रखे थे, अब मैंने पूरा सामान बाहर फेंक दिया है। रजाई गद्दे नीचे डाल रखे यहाँ सीढ़ी पे, यहाँ सीढ़ी पे। तो हमारा दिन का लंच भी हो गया है, और मैं हमने बर्तन भी छाल के यहाँ पर रख दिए हैं। ये हमारे बर्तन तो मठा के यहाँ पर रखे हैं साफ करके। तो यहाँ पर रही हमारी छोटी सिंधु कुड़ी, तो यहाँ पर भी सामान रखा था पूरा सड़ गया है, ये मैंने धूप पर सुखाने के लिए रखे हैं रखा है। तो आज अच्छी वाली धूप खिली हुई थी, तो यहाँ की सफाई भी करी लिए, पूरी काई जमी थी यहाँ किचन के पीछे इस छत में भी। और मैंने जो किचन के ये थे ये भी बाहर डाल दिए हैं, और आप लोगों को यहाँ भी दिखा दूँ मैं। तो यहाँ पर मेरी पूरे गेहूँ डाल रखे हैं, फिर से पूरे बर्बाद कर लिए थे ये भी, और रजाई गद्दे पूरे छत में ऐसे फैला रखे हैं चारों तरफ, तो ये भी सूख गए हैं। अब अंदर डालते हैं इनको। जो गेहूँ डाल रखे थे मेरे धूप है सुखाने के लिए, ये भी मैंने इकट्ठे कर दिए हैं यहाँ पर, और ये लग रखे यहाँ पर ये तो ये पूरे बर्बाद कर लेते हैं गेहूँ के। तो इसके ना पूरा जैसा आटा बना रखा है वैसे करते हैं गेहूँ। तो अब इन कपड़ों को मैं अंदर डालती हूँ, धूप तो बादलों के पीछे छुप गई है, चारों तरफ अंधेरा भी हो गया है। ये रजाई नीचे पड़ गई थी यहाँ पर, बार बार पकड़ी मैंने ये रजाई, अभी तो मेरे यहाँ पर डाल रखे है। और नीचे ये चिड़िया पूरी खा रही है, जो हमारी मक्का बो रखी है उसको पूरी खा रही है। और यहाँ से जो व्यू है ना गजब का दिखाई दे रहा है चारों तरफ बादल आ गए हैं ऊपर पहाड़ियों से भी, और नीचे जो गांव है जंगल है वहाँ तो पूरा अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। और ये पक्षियाँ भी पूरी आसमान पर उड़ रही है, क्योंकि जब ये पक्षियाँ उड़ती है तो बोलते हैं कि बारिश आती है, तो अभी ये ऊपर आसमान पर उड़ रही है। पहाड़ों का कोई भरोसा नहीं रहता है मौसम का, कभी बारिश आती है और कब धूप लगती है, ये हाल है पहाड़ों का मौसम का, वो भी केदारघाटी का। केदारघाटी में तो ऐसा ही होता, कब धूप लगती तभी बारिश आती। किचन की भी जो चटाई हमने सब बाहर डाल रखी है, और इतना सामान संभाल समेट समेट के आज थक जाएंगे हम, पूरी यहाँ से ऊपर छत से और नीचे और पूरी सीढ़ी से और वहाँ तक पूरे कपड़े डाल रखे हैं। तो अब थोड़ा हम के इनको अंदर रखेंगे। तो रोहित को बोलती हूँ मैं ऊपर से, तू रजाई गद्दे डाल वहाँ पर, तो मैं एक चटाई डालती हूँ, उसके बाद उसको बोलती हूँ वहाँ पर तक फेंक, और उसके बाद मैं कमरों में डाल दूँगी इन कपड़ों को। तो आज सुबह से अच्छी वाली धूप खिली हुई थी, हमने कपड़े भी सुखाए और पूरा घर का काम भी किया, कपड़े भी धोए वो सी मशीन में, और पूरा घर का काम भी कर ही लिया है। और अभी मोनिका रात की भी डिनर की तैयारी कर रही है, और आप लोगों को बताती हूँ रात का डिनर में क्या सब्जी बनने वाली है हमारे। और डिनर में बनने वाली है राजमा
छेमी और गोदेड़े और आलू काटी ना मोनिका इसमें। तो मोनिका यहाँ पर सब्जी की व्यवस्था करने बैठ गई है। तो मैंने चक्की में जो कल गेहूँ सुखाए थे वो भी मैंने पीस दिए हैं सारे गेहूँ, मतलब जो घूंढ लगे हुए थे हमारे यहाँ। तो आ मैंने सामान हो गया, गेहूँ हो गया, अपना पूरा घर का जो भी हुआ मतलब भीगा हुआ सामान था तो धूप पर अच्छी तरह सुखा दिया है। और कपड़े भी जो हमारे पहनने के कपड़े थे वो भी सुखा के मैंने जो रजाई गदे थे तो अच्छी वाली धूप खिली हुई थी तो सब सुखा के मैंने कमरों में डाल दिया। और दिन का लंच भी हमारा तैयार हो गया है। दिन के लंच में दाल हो गई और चावल हो गया और हरी सब्जी प्याज। चलो दिन का लंच भी करते हैं, गरम गरम लंच का आनंद लेते हैं पहाड़ी थालियों। तो 6 बजे का मौसम ऐसा है, बादल लगे हुए हैं चारों तरफ केदार घाटी में और सूर्य देवता भी चले गए हैं उस पहाड़ियों के पीछे। तो अभी देखो केदार घाटी का मौसम ये है। और हल्की बारिश लगी तो हमारा छत भी पूरा भीग गया है। और चिड़िया भी यहाँ ऊपर पेड़ों पर चले गए हैं बसेरा, और पूरी चिड़िया यहाँ पेड़ों पर ऊपर लगी है इन बांज के पेड़ों पर। अंधेरा हो गया है, वो भी चले गए हैं। और कुछ गेहूँ मेरे यहाँ पर रखे हुए हैं और ये है सफ़ेद विकास, तो ये भी मेरी सुखाने के लिए रखे थे तो कल मैं इनको भी सुखाऊंगी और पीसूंगी। अब रात की डिनर की भी तैयारी करते हैं। आज की वीडियो को भी मैं इतनी रखती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लीजिए देव जय उत्तराखंड, बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो पर। तब तक लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें।